अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर एक खूबसूरत शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिन्होंने हालिया जो मुमताज़ कादरी के हवाले से पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा एक अलमनाक सानहा हुआ है उसके बाद एक पॉलिटिकल जो है वो स्टैंड लिया है और अपनी बहुत बड़ा एक उदा था इनका बरतानिया के अंदर यूथ को ये एज़ ए प्रेसिडेंट जो है वो रिप्रेजेंट करते थे और इनकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर को डेवलप करने के हवाले से ऑर्गेनाइज़ करने के हवाले से यूके भर में। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये इनिशिएटिव इन्होंने क्यों लिया और कैसे इनके जो है क्या जज्बात थे क्या एहसासात थे। मैं राजा हक नवाज जावाद साहब, पहले तो आपको वक्त देने का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस चीज़ ने आपको इस पे आमादा किया और आपने इतना बड़ा जो है वो इनिशिएटिव लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला अलैका वसहाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस अहम मामले पर बात करने का मौका दिया ताकि लोगों तक हमारे व्यू पहुंच सकें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, ज़िंदगी में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं, ज़िंदगी में कुछ हादसात ऐसे होते हैं कि वो इंसान की ज़िंदगी को चेंज करके रख देते हैं। मैं अपने आप को सबसे गुनहगार सियाकार इंसान समझता हूँ, लेकिन जब एक सच्चे आशिक रसूल को रात के अंधेरे में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया तो उसके बाद मैं सोचता रहा। तकरीबन 22 आवर्स मैं इस सोच में रहा कि मैं क्या करूं, मैं पार्टी के अहदे से रिज़ाइन करूं या ना करूं। लेकिन आखिर मेरी जो 22 घंटे की जंग थी इश्क और अकल के दरमियान, उसमें आखिर इश्क जीत गया और अकल हार गई और आखिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं इस पार्टी के अहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया मैंने। तो मैं रैसा यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो यानी आपको किस चीज़ ने इस तरफ जो है वो मायल किया। उल्मा मशाइख ने जिन्होंने मुमताज़ कादरी के हक में स्टैंड लिया, कुछ कुव्वतें ऐसी भी थी जो उनके मुखालफ थी, तो किस चीज़ ने आपको इस तरफ जो है वो मायल किया। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मैं एक गुनहगार हूँ, अपने आप को मैं गुनहगार इंसान समझता हूँ, लेकिन मेरा एक ईमान है कि मैं जब क़यामत का दिन होगा, रोज़ मशहूर होगा, तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात करेंगे, तो मेरे जैसे गुनहगार भी बख्शे जाएं। तो मैंने जब ये सोचा, मैं काफ़ी सोच में रहा क्योंकि मैंने पार्टी के लिए यहाँ पर जो काम किया हुआ है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है, तो मैं सोचता रहा कि मैं क्या फ़ैसला करूँ। तो आखिर मेरे ज़मीर की आवाज़ ने यह फ़ैसला किया कि मैं इस अहदे से मुस्तफ़ी हो जाऊँ, क्योंकि इश्क कातल से भी मकतूल से हमदर्दी, तो ये मैं नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने इस पार्टी के अहदे से इस्तीफ़ा दिया। जहाँ तक आपके सवाल का तलक है कि किसी ने आपको उकसाया या किसी से आप वो मुतासर हो गए ये चीज़ से, मैं एक ही जिसकी रज़ा के लिए मैंने किया है, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए मैंने ये काम किया है। और ये जो अहदे होते हैं, ये सियासी अहदे होते हैं या जो गवर्नमेंट के अहदे होते हैं, ये आने जाने हैं, ये सब जो है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेह मुबारक के सदक़े हम कुर्बान कर मैं कम अज़ कम कुर्बान कर सकता हूँ। ये तो यूथ की सदारत का एक अहदा था, मेरे पास अगर इससे बड़ा भी कोई अहदा होता तो मैं उस अल्लाह के रसूल के रास्ते कुर्बान कर देता। अच्छा, यहाँ हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ फ़िक्र थी, सोच थी इस हवाले से, बाज़ लोग तो खामोश भी रहे और बाज़ जो है वो खुलकर सामने भी आए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में भी बड़ा नाम है, एक डॉक्टर ताहिरुल कादरी है, ताहिर अशरफ़ी हैं जो वहाँ पे आलम दीन है, इसी तरह जावेद अहमद गामदी हैं, मौलाना शेरानी हैं, उन्होंने इस पे इनिशिएटिव लिया कि ये जो है मामला बहुत अच्छा हुआ और इसे सजाए मौत जो है वो दुरुस्त कदम था। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या कहाँ जो है वो कमी थी या क्या मामला था? आपने बात की ताहिर पादरी के हवाले से, आप उसको कादरी कहते हैं, तो मैं कम अज़ कम मेरा ज़मीर गुवारा नहीं करता है कि मैं उसको कादरी का लकब दूँ। वो एक पादरी है, तो उसका हमेशा से जो वो बैरूनी एजेंडों पे काम करता रहा है, उसको जहाँ से इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर पैसे खर्च होते हैं, उनकी वो बोली बोलता है, तो वो शुरू से जो है एक उसके कभी तो वो लोगों को झूठे ख्वाब सुनाता रहा है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसने झूठे ख्वाब सुना के लोगों को जाके वो वरगलाया और उनको बेवकूफ़ बना के रखा और अपने मुरीदीन का सिलसिला जारी रखा। इसके अलावा उसने जाके कभी आपने देखा होगा कि वीडियोज़ मौजूद हैं यूट्यूब पर, कभी जाके
कब्रों के ऊपर खड़े होकर मुर्दों के साथ बातें करता रहा, कभी वो किस तरह की बातें करता रहा। जब इस शख्स ने, आप देखेंगे जब ये एक मस्जिद इमाम था, इसने जो जिन लोगों ने इसके साथ नेकी की, अपने कंधों में उठा के इसको हज और उमरे कराए, उन्हीं के खिलाफ खड़ा हो गया। अब इस शख्स के बारे में देखें कि ये शख्स कभी, जब ये स्टार्टिंग में आया तो इसकी जो दाढ़ी मुबारक थी वो इतनी थी, आज आप देखेंगे ये इसकी दाढ़ी शरीफ जो दाढ़ी है वो मॉडर्न हो गई है, वो इसने दाढ़ी काट के छोटी कर दी है। ये हमेशा बैरूनी झंडे पे काम करता रहा है, इसकी जो सोच है ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है। इसने सारी ज़िंदगी लोगों को बरगलाया है, इस्तेमाल किया है। अभी रिसेंटली ये जो ये शख्स आपने देखा कि इंडिया गया हुआ था, तो इंडिया भी इसमें जाने के अंदर जो मोदी का सारा रोल था, इसको मोदी ने वहाँ पर प्रोटोकॉल दिया है, वहाँ पे जाके इसने जो स्पीचें की, आप देखें यहाँ पे जाके यूट्यूब पे मौजूद है कि ये कहता है कि जय हिंद कहना जायज़ है, जय हिंद कहना जायज़ है। और ये फिर ये कहता है कि जय सिन्हा जो है उसके जो उनका जो फिक्र है, सोच है, वो भी ठीक है। तो ये शख्स शुरू से जो है, मैं तो कहता हूँ कि इस सदी का सबसे बड़ा ये रईसुल मुनाफिकीन है। इसने हमेशा जो इस्लाम का नाम बेचा है, इसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो से मोहब्बत का एक जो ड्रामा रचा के रखा था। देखें जो इस शख्स के झूठे ख्वाब जो हैं वो YouTube पे मौजूद हैं। ये कभी झूठे ख्वाब सुनाता है, कभी कब्रों पे जाके मुर्दों से बातें करने की कोशिश करता है, कभी ये शख्स जो है लोगों को वरगलाता है। तो इस शख्स ने ये पिछले दिनों में जिसने धरना दिया पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे इसने ये कहता था कि मैं वहाँ पर दलेर हूँ, ये सब कुछ करता हूँ, वहाँ पर ये कितने पैसे लेकर वहाँ धरने से उठा था। ये आपने बात की दूसरे वो मौलाना अशरफी की, मौलाना अशरफी एक टाउट है, उसने सारी ज़िंदगी जो मुतलका अदारे हैं उनका वो टाउट है, उसने उनकी जो वो बात कहते हैं वो यही बात करता है। मौलाना अशरफी से तो कितनी बार शराब की बोतलें पकड़ी गई हैं, ये नशे में दूध पाया गया है, कौन से अनासर हैं, कौन सी कूते हैं जिन्होंने इसको छड़ाया है, ये वही अनासर हैं जिसके पीछे जो इसको जब चाहते हैं तो इससे वो जो चाहते हैं करा लेते हैं। अभी पिछले दिनों आपने नाम लिया उसका मौलाना शरानी की, मौलाना शरानी और ये वहाँ पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल के ये दोनों मेम्बर है, वो चेयरमैन है, ये मेम्बर है, ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सीट के ऊपर सारी दुनिया के सामने वहाँ पे लड़े हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का जो तकद्दस है उसको इन्होंने पमाल किया है। ये शख्स, ये मौलाना शरानी, ये अशरफी और ये तारुल पादरी, ये एक ही सोच के अमल हैं, सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, अलग-अलग इन्होंने अपने ड्रामे लगाए हुए हैं। अच्छा रे साहब, मैं यहाँ ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो शख्सियत परस्ती है, यानी कि आप जिस पार्टी से या जिस नज़रिए से या जिस मजहबी क़यादत के साथ वाबस्ता होते हैं, तो वो चाहे राइट करे रोंग करे, आप उसको जो है वो बुरा भला नहीं कह सकते। जितने इनके पैरोकार हैं, मैं देखने को ये भी आता है कि ये कुछ भी करें, यानी अल्लाह और रसूल को भी जो है मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात लोग उनको उनके फरामीन भला कर तो इनको जो है वो प्रायोरिटी देते हैं, तो इसमें क्या यानी वजूहात? देखें, हर इंसान को फॉलो करना चाहिए, हर इंसान के कुछ लोग फॉलोअर होते हैं, उन ऐसी कुछ शख्सियात होती हैं जिनको इंसान फॉलो करता है, मगर एक हद तक। अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर कोई दुनिया की चीज़ नहीं है। अगर उसके बाद सहाबा इकराम है, उसके बाद तबा ताबईन है, उसके बाद औलिया इकराम है, उसके बाद ये सारे सिलसिले हैं, ये उलमा इकराम, ये बुजुर्गान दीन, ये बाद के सिलसिले हैं। सबसे बड़ी बात अल्लाह की ज़ात की है और उसके अल्लाह और उसके रसूल के साथ लोग दुश्मनियाँ कर रहे हों, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी कर रहे हों, तो उनको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये तो आपकी अकल अंधी हो चुकी है। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब तक आप अपनी माँ बाप बहन भाई बच्चों से बढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करें, उस वक्त तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये जो लोग हैं अभी भी इन जाहिल लोगों को, इन बहके हुए लोगों को, इन सौदागरों को, इस्लाम के सौदागर हैं ये लोग, ये मीर जाफर और मीर सादक हैं, अभी भी जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये लोग इनको क्यों फॉलो कर रहे हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, क्या उनको रोज़े मैशर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नहीं चाहिए? अगर उनको शफात चाहिए, अगर उनको अस्तफ़रण नौज़बुल्ला, ये जो पादरी है, ये शर्फी है, ये शरानी है, ये दूसरे खमदी वगैरह जो आप नाम ले रहे हैं, ये क्या शफात करेंगे? क़यामत के दिन तो शफात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करनी है। तो उनके साथ अगर ये मुखलस नहीं है, तो अगर ये अपने किसी शख्स, ये तो शख्सियत परस्ती है, शख्सियत परस्ती की तो इस्लाम में इजाज़त भी नहीं है। जी बेशक के इकबाल जो हैं बड़े दानिश्वर हैं, पेशवा हैं हमारे और कौमी शायर भी हैं, वो फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोगो कलम तेरे हैं।
رائے صاحب یہاں دیکھنے کو یہ بھی آتا ہے کہ جب یا آپ نے یہ ریزائن کیا عہدے سے جو ہے سبکدوش ہوئے تو بہت سے لوگ جو آپ کے مخالفین ہیں پارٹی کے اندر ہیں یا باہر ہیں انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور وہ بڑے جو ہے اس پہ مطمئن ہوئے کہ اب یہ بندہ جو ہے وہ گر گیا اور شاید ہم نے اس کو مات دے دی تو اس حوالے سے آپ کا کیا یعنی سٹینڈ میں شکر کرتا ہوں اپنے رب کریم کا میں شکر کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اس شان اس کے قدموں میں جا کے گرا کہ جہاں سے بادشاہی ملتی ہے جہاں سے دنیا کا ساری دولت ملتی ہے جہاں سے دنیا کی سلطنت ملتی ہے میں شکر الحمدللہ میرا اس پہ میرا ایمان ہے کہ اللہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن میں نے جس کی رضا کے لیے جس کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ تو یوتھ کی صدارت میرے جو دشمن ہیں وہ نادان لوگ ہیں یہ کچھ چھوکرا لوگ جو ہیں میری مخالفت کرتے ہیں انہوں نے ہمیشہ میرے خلاف سازشیں کی طرح طرح کے پروپوگنڈے کیے ایون کہ اس میں کئی ہماری بڑی ہائی لیول کی بڑی لیڈرشپ بھی شامل تھی وہ بھی اس میں شامل رہی مگر شکر الحمدللہ مجھے کوئی سازش ہٹا نہیں سکی میں نے ہمیشہ ہر سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور ہمیشہ میں نے 5-6 سال یہاں پہ یوتھ کی صدارت کی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے میری سیاست کا ایک اپنا سٹائل ہے نہ میں سیاست کے اندر کسی کی ٹی سی کرتا ہوں نہ میں کوئی سیاست کے اندر نصر بازی کرتا ہوں نہ خوش آمد کرتا ہوں نہ مجھ سے ہوتی ہے میں اسٹیٹ فارورڈ میں نے ہمیشہ سیاست کی ہے اور یہاں تک آپ نے بات کی کہ یوتھ کے عہدے کی تو یوتھ کا جو عہدہ تھا میں نے ایک پارٹی کا کام کر کے لیا ہے میں نے یہاں پہ پارٹی کے لیے دن رات کام کیا تھا میں نے نہ کسی کو خوش آمد کر کے لیا تھا نہ کسی نصر بازی کے ساتھ لیا تھا نہ کسی سفارش سے لیا تھا اور نہ کسی کے تلوے چاٹ کے لیا تھا تو میرے لیے تو یہ یوتھ کی صدارت کیا میں آپ کو یہ بڑی برملا ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے پاس آزاد کشمیر کی صدارت یا وزارت عظمیٰ بھی ہوتی تو خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے اسے کو ایک منٹ میں قربان کر دیتا کیونکہ میرے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی اور دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے یہ میرا ایمان ہے اور مجھے یقین ہے کہ جس کے صدقے میں نے یہ کچھ کیا ہے وہ عزت بھی دلائے گا وہ مجھے مرتبے بھی دلائے گا وہ مجھے عہدے بھی دلائے گا یہ ساری چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں لوگ تو دیکھیں وہ بھی شخص تھا جس نے ممتاز قادری شہید جب اس کو پھانسی کے پھندے پہ جانے کا ٹائم ہوا تو اس کے 5 منٹ رہتے ہیں تو وہ کہتا ہے سپرنٹنڈنٹ کو کہ سپرنٹنڈنٹ صاحب چلیں میرا ٹائم ہو گیا ہے میرے انتظار ہو رہا ہے تو وہ پھندے کی طرف دوڑ کے جاتا ہے اور پھندے کو جا کے چوم کے گلے میں لگاتا ہے کیا اس کو اپنی زندگی عزیز نہیں تھی اس کو اپنے ماں باپ بہن بھائی بچے دنیا کی چیزیں ساری عزیز نہیں تھی وہ سخت وہ چیزیں سب کو چھوڑ کے چلا گیا تو ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکے ہم تو سچی بات ہے کہ ہم شرمندہ ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندہ ہیں کہ جس طرح سے ہمیں کچھ کرنا چاہیے تھا رول ادا کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے ہیں اچھا آپ کا آگے کیا مستقبل میں کیا لاہے عمل ہے کوئی پارٹی اختیار کریں گے یا اسی طرح جو ہے اپنے میں کیونکہ پارٹی کے اندر رہتے میں نے پارٹی کی صدارت سے ریزائن کیا ہے میں نے پارٹی ابھی تک نہیں چھوڑی ہے تو پارٹی کے اندر رہتے ہوئے میں اس احتجاج کو جاری رکھوں گا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا المناک واقعہ ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین واقعہ ہوا ہے کہ ایک سچے عاشق رسول کو آپ دیکھیں کہ غازی علم الدین کا واقعہ ہوتا ہے جب تو قائد اعظم اس کے وکیل بنتے ہیں تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیس میں لڑوں گا تو کورٹ میں ایک ان کو چاہیے ہوتا ہے کوئی میرا خیال ہے اس کی اچھوٹی کے لیے تو قائد اعظم اپنا بلینک چیک دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے دوں گا غازی علم الدین کے لیے قائد اعظم جو ہے وہ وکیل بنتے ہیں تو ایک سچے عاشق رسول ممتاز قادری کو پاکستان کے قانون نے دیکھیں اگر پاکستان کے اندر کوئی اگر ایسا قانون ہو کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح کی گستاخی کرے ناموس رسالت کے اوپر کوئی بات کرے تو اس کو اگر پکڑ ہوئے تو اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے آپ چیک کریں کہ پاکستان کے بننے سے پہلے جب انگریز کا دور تھا اس میں کتنے واقعات ہوئے ہیں آپ چیک کریں کہ اس کے بعد یہ کتنے واقعات ہوئے ہیں کیوں کہ اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو چاہتا ہے جس کی کوئی صحت نہیں ہے وہ نشے میں ٹون ہو کے بکتا ہے بکواس کرتا ہے کبھی تو تحفظ ناموس رسالت پہ جو ہے وہ طرح طرح کے وہ کارٹون بنائے جاتے ہیں کبھی خاکے شائع کیے جاتے ہیں کبھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جس عورت کی وجہ سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے اس کا کیس کیوں نہیں پتہ فائنل ہوا اس کو سزائے موت کیوں نہیں ہوئی پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے کیس فائنل ہو چکے ہیں ان کو بھی تو سزائیں کیوں نہیں دی گئی ہیں ان کو پھانسی کے پندے پہ لٹکایا کیوں نہیں گیا ہے کیا ممتاز قادری کا جرم ان سے بڑا تھا یہ تو ذرا سا زیستی ہے
तो जहाँ तक मेरा है तो मैं अभी तक अपनी प्रोटेस्ट मैंने पहले दिन से की है, मैं करता रहूँगा। इस चीज़ पे मेरी अगर जान जाती है, मेरे जिस्म के टुकड़े होते हैं, मैं आखिरी सांस तक इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अच्छा आखिरी मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये जो 27 मार्च को चेहलम शरीफ होने जा रहा है मुमताज़ कादरी का, तो इस पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या आपके जज्बात हैं? मेरे तो क्यों मेरी मजबूरियाँ हैं, मेरे हाथ पाँव बंधे हुए हैं। मेरे अगर ना होते तो मैं सबसे पहले वहाँ पर जाके शरीक होता, और मेरी सबसे बड़ी ज़िंदगी ख्वाहिश भी थी कि मुमताज़ कादरी साहब को ज़िंदगी में उनसे मैं ज़ियारत करता, उनसे मुलाकात करता। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, मैंने अपनी तरफ से उनके वाले साहब से फ़ोन पे तजियत भी किया है, अपनी तरफ से मैं अपने पीर खालिद सुल्तान साहब की वसादत से मैंने उनकी कब्र मुबारक पे, रोज़े मुबारक पे मैंने फूल भी चढ़वाए, और मेरा उनके साथ जो अकीदत का सिलसिला है वो जारी रहेगा। पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि 27 मार्च को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चेलम हो रहा है लियाकत बाग में, तो उसमें जितनी तादाद में हो सके आप लोग शिरकत करें, और एक सच्चे आशिक रसूल के साथ जो पाकिस्तान के इस कानून ने ज़्यादती की है, पाकिस्तान के इस कानून ने जो ज़्यादती की है उसके साथ आप खड़े हों और एक सच्चे आशिक रसूल होने का सबूत दें। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पे लोगों को लेके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे पहुँचें, ताकि एक मैसेज जाए कि पाकिस्तान के अंदर, अगर आप देख लें इस वक्त कुछ लोग मजबूर हैं, मजबूरी की वजह से बोल नहीं रहे हैं, मगर आप वहाँ पे एक चीज़ साबित करें कि पाकिस्तान जो है वो अशकान रसूल का पाकिस्तान है, वो सच, वहाँ पे जो कोई भी तहफ़ नमूस रसालत के ख़िलाफ़ बात करेगा तो पाकिस्तान के लोग उस पर कट मरेंगे, जान दे देंगे, लेकिन इस चीज़ पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा और पैगाम भी यही मिलता है कि ये जो 295C है या तहफ़ नमूस रसालत की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा नाजुक मामला है, और बड़ी जो है हसासियत का ये हामिल जो है मरहला है। इस पर बोलने से कबल जो है वो हज़ार बार लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि जितने दुनिया के अंदर जो तारीखी तारीख़ इस्लाम से हमें जो वाकयात सामने आते हैं, तो कोई भी बड़ा सकालर दानिश्वर या कोई भी मजहबी लीडर जो है इस मामले से बोलने से कबल जो है वो हज़ार बार जो है वो सोचता था, और इसकी जो हसासियत है और जो अजमत है, जो तकद्दस है, उसको किसी ने आज तक पामाल नहीं किया। और इसको बेहतर बनाने के लिए, बजाय इसको तब्दील करने के या इस पे मजीद जो है वो कमियां कुजाइयां या करने के हवाले से बात करने की बजाय, इस पे एक ऐसा लाहे अमल अख्तियार करना चाहिए कि कोई भी जो है वो गुस्ताखी का मुर्तकिब ना हो, और ऐसे हालात पैदा ना हो कि कोई भी जो आशिक रसूल है, जो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाला है, वो इस तरह का इकदाम उठाए और उसे जो है कानून अपने हाथ में लेना पड़े। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, मेहरबानी।